Assalamu alaikum and welcome to Dil Pasand. Aaj main aapke saath share karne wali hoon catalog called Razi. It's by Taj Volume 2 and the designing is manufactured by Rama Enterprises. So ye hai hamari full catalog jo main aapke saath aaj share karungi. Isme hai total 8 or 10 designs. Inme kuch ki main videos already kar chuki hoon. Jo sabse awal ki thi wo thi isme maine pehle mangwaya tha ek suit sirf grey color ka aur phir maine mazid sets order kiye hue the lekin unke aane mein kuch thodi si time lagi. Aaj main aapke saath jo hai kuch chand sare share karungi. Sabse pehle inka jo pehla design hai वो आपके साथ शेयर करूंगी. अच्छा, इनमें जो है डिजाइनिंग में है इनका डिजाइंस जो है वो मुख्तलिफ डिजाइन में किए गए हैं. मैंने अब खोल कर देखे नहीं लेकिन साथ-साथ आपके शेयर भी करूंगी और साथ-साथ हम कुछ बात भी करेंगे. सो ये है इसकी तस्वीर. दूसरी तरफ जो है इनकी तमाम जो इसमें आए हैं 8 सूट्स उनकी तमाम की तस्वीरें दी गई हैं. सो ये है डिजाइन नंबर 30027. इसमें आपको क्या मिलेगा, यह है उनका टैग लगा हुआ और इसके साथ फिर जो है यह फुल सूट है जो पक आया है. अच्छा, लाइनिंग वगैरह सब साथ है. इस पर काम किया गया है मोती और इसका काम है कढ़ाई का काम है. यह थोड़ी सी हल्की जरा शॉर्टर कमीज है और कमीज पर बहुत ही नाइस तिल्ले का दूसरी धागे की कढ़ाई है और साथ हैवी मोती का काम है और साथ फिर उन्होंने सिल्क की नरम किस्म की सिल्क की लाइनिंग दी है जो अंदर उन्होंने वैसे करके अटैच की है लेकिन ये फिक्स हुई नहीं है. तो ये है इसके बाजू. बाजू पर भी फुल काम है जैसा आपको तस्वीर में नजर आ रहा है. असल में लाइट की वजह से इतना ये फुल नजर नहीं आ रहा कि इसकी खूबसूरती कैसी है. मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा कैमरे को नजदीक करके आपको दिखाऊं कि ये कैसे नजर आ रहा है. अच्छा, सबसे पहले हम हेट ऑल दिस पेपर्स आखोमिंदा पैकेजिंग. अच्छा, चलो कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा नज़दीक करके दिखाऊं कि इसकी कैसी एम्ब्रॉयडरी वगैरह कैसी है. अच्छा, इनका साइज़ जो है वो आप तकरीबन ये अमूमन तौर से होते हैं ज़्यादा यंगर जनरेशन के लिए. बहुत बड़ा साइज़ उसको अबाउट साइज 16 आई वुड से यू वुड बी एबल टू स्टिच दिस. अच्छा, ये है इसका दुपट्टा. दुपट्टा फुली फिनिश्ड है और दुपट्टे पर नेट का दुपट्टा है और इस पर जो है काम और मोती लगे हुए हैं, कढ़ाई और मोती. तो यह था इसका दुपट्टा. फिर कपड़ा आता है इसकी ट्राउज़र के लिए. तो इस सूट के साथ इन्होंने बनाया हुआ है बेल बॉटम्स. सो बेल बॉटम्स के लिए उन्होंने फिर कपड़ा इतना दिया होगा कि आप आसानी से बेल बॉटम्स इसके डिज़ाइन कर सकें. नाउ नॉर्मली क्या होता है कि कई कस्टमर ने इस बात पर एतराज़ भी किया है कि यह कपड़ा इसके लिए यह काफ़ी है. अगर आप इसकी कटिंग करेंगे ये आपकी ट्राउज़र के ऊपर यानी डबल है. यह ट्राउज़र की लाइनिंग है, सिल्क की लाइनिंग उन्होंने दी है. तो इसको आप आधा ही बनाएंगे क्योंकि ये कपड़ा इनफ नहीं होगा कि आप इसको सीधे से. और आपका थोड़ा जो कपड़ा इससे बचेगा अगर बाजू की लाइनिंग आपने लगानी है तो फिर आप इससे बचा कर बाजू की लाइनिंग बनानी पड़ेगी. तो ये ऑनेस्टली बनकर यह बहुत खूबसूरत बनेगा लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं आपको दिखाती कि इसकी आपने एक बेल बॉटम की कटिंग कैसी करनी है और इसकी फिर सिलाई कैसी करनी है. चलो, नेक्स्ट वीक है मेरी वन वीक ऑफ. मैं कोशिश करूँगी कि इसकी एक की आपको सिलाई करके आपको दिखाऊं कि हमने इसका सोइंग कैसी करनी है और बेल बॉटम जो होती है बूट लेग कट उसका आपने सिलाई कैसी करनी है. सो इंशाल्लाह विद माय वन वीक ऑफ व्हाट वी गोइंग टू डू इज़ वी गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन दैट. इन द मीन टाइम आई एम गोइंग टू शो यू ऑल द वैरायटी इन दिस राजी कलेक्शन एंड आई विल लीव इट टू यू टू सिलेक्ट योर फेवरेट एंड join me for the sewing class on these suits.